खाने पीने का सारा सामान बर्बाद हो गया है और बारिश के चलते 3 मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। गांव में बिजली व्यवस्था ठप है। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ से अब तक लोगों के पास मदद नहीं पहुंची है। तो लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी और मौत से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 3 मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। तो गंगा नदी उफान पर है। तेजी के साथ जलस्तर बढ़ रहा है जिसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ये सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक बारिश हुई है। करीब करीब 10-12 घर खतरे में हैं और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि दो तीन घर जो हैं वो पूरे नष्ट नाबूद हो चुके हैं और यहाँ तक प्रशासन कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। और करीब 8 दिन पहले 10 दिन पहले हमने लोगों ने डीएम साहब को विज्ञापन दिया था और डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे गाँव में जाके हम कुछ ना कुछ करते हैं। अभी तक ना कोई आला अधिकारी कोई नहीं यहाँ पे आया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल मौसम कैसा है फरुखाबाद का? कितना नुकसान हुआ है बारिश से? देखिए, पिछले 24 घंटे में जो बारिश हो रही थी लगातार, अब मौसम खुला हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो बारिश की है वो नगला खेमरगाई के लिए एक प्रलय के तौर पे आई है, क्योंकि यहाँ के कई मकान जल प्रवाह में चले गए हैं और बिल्कुल गंगा जी जो है वो बिल्कुल किनारे आ गई है और उनका कटान बहुत तेज हुआ है। यहाँ पर पिछले वर्ष भी लाखों रुपए खर्च करके परकोपाइन लगाए गए थे, वो सारे परकोपाइन बह गए हैं गंगा जी में। प्रशासन की ओर से इस वर्ष इस गांव के लिए कोई भी अभी तक मदद या कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी है कि जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि जितने भी इस तरीके के गांव हैं उन पे उनका दौरा कर लिया जाए, उनकी रिपोर्ट भेज दी जाए, तो फरुखाबाद में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पर लोग परेशान है, जो गाँव है वो बिल्कुल कटान पर है, पानी उनके घरों के आगे आ गया है, लोग अपने घर और अपना जो सामान है, जो जीवन भर की पूंजी है, उसको बचाने की कवायद में लगे हैं। जो कटान है उसको रोकने के लिए पन्नी डाली हुई है जिससे मिट्टी ना कर सके, लेकिन जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है और पन्नी या किसी भी तरीके की व्यवस्था रुक नहीं पा रही है। यहाँ जब तक कोई मजबूत बाढ़ नहीं बनेगी तब तक इस गांव को बचाना नामुमकिन है और ये जल्द से जल्द ये अब गांव पूरा लगभग गांव इसमें बाढ़ में समाने के लिए तैयार है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं।